प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। रोहित शेट्टी और अजय देवगन फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन जोड़ियों में से एक हैं। हाल ही में रिलीज हुई गोलमाल अगेन उनकी एक साथ 10वीं फिल्म है और ऐसा सोचा जा रहा था कि इतने लंबे समय तक एक साथ काम करने के बाद अब ये एक दूसरे से ब्रेक लेके, पर नहीं, ये धमाकेदार जोड़ी एक बार फिर से पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए तैयार है। रोहित शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिंघम और सिंघम रिटर्न्स को पब्लिक ने बेहद पसंद किया है और पब्लिक के इतने अच्छे सपोर्ट और प्यार के बाद अब रोहित शेट्टी सिंघम फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हुए सिंघम 3 बनाएंगे। रोहित शेट्टी ने बात की पुष्टि की है कि जो दर्शक देखना चाहेंगे वो उन्हें जरूर मिलेगा। सिंघम और सिंघम रिटर्न्स के लिए जो प्यार मुझे पब्लिक से मिला है उसने मुझे सिंघम 3 बनाने के लिए प्रेरित किया है। निर्देशक ने सिंघम के बारे में सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है, पर फिल्मों को लेकर अफवाहों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ऐसा सुनने में आया था कि अजय देवगन की जगह सनी देओल को कास्ट किया गया है। कुछ महीनों पहले ये अफवाह थी कि जयंतीलाल गांडा ने सिंघम के लिए सनी देओल को कास्ट कर लिया है, लेकिन रोहित शेट्टी ने इस अफवाह को दूर करते हुए कहा है कि हम एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि बॉलीवुड सिंघम की फ्रेंचाइजी से रिलेटेड सभी कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, टाइटल्स पूरी तरह रिलायंस एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं और किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस का इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। सिंघम एक बहुत बड़ा ब्रांड है और हाँ, हम इसे बनाना चाहते हैं, इसलिए हम सिंघम 3 बना रहे हैं। हम अपनी पूरी लाइफ सिंघम 3 और गोलमाल 5 जैसी फिल्मों को डेडिकेट करना चाहते हैं। हम दर्शकों और उनके एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बना रहे हैं। सिंघम और सिंघम रिटर्न्स के लिए जो प्यार पब्लिक से मिला है उसने मुझे सिंघम 3 बनाने के लिए प्रेरित किया है। सिंघम 3 को लेकर अफवाह है कि रोहित शेट्टी ने सिंघम 3 में अजय देवगन की जगह सनी देओल को लिया है, पर हकीकत तो ये है कि ये दोनों अलग फिल्में हैं, सिंघम 3 और S3। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में अब दो सिंघम होंगे। पहली सिंघम 3 जिसको डायरेक्ट रोहित शेट्टी करेंगे और जिसमें अजय देवगन अपने पहले के कड़क पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखेंगे, और दूसरी S3 जिसको जयंतीलाल गांडा बनाएंगे। इसके लिए सिंघम के रोल में सनी देओल को कास्ट किया गया है। जयंतीलाल गांडा ने अफवाहों को साफ करते हुए नवभारत टाइम्स के एक इंटरव्यू में कहा है, सबसे पहले मैं फिल्मों के नाम को लेकर साफ कर देना चाहता हूं कि लोग इसे सिंघम 3 के नाम से कह रहे हैं, लेकिन इसे हम S3 के नाम से रिलीज करेंगे, जो तमिल सिंघम फ्रेंचाइजी का 3rd पार्ट है। फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करते हुए कहा गया है कि फिल्म की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश की एक राज्यसभा से, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, जहां विशाखापट्टनम शहर के पुलिस कमिश्नर की हत्या के मामले पर चर्चा हो रही है, जहां आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर सत्ता नारायणा का प्रस्ताव है कि लंबे मामले को सुलझाने के लिए लॉ की देखरेख करने के लिए तमिलनाडु के DCP दुर्रई सिंघम को बुलाया जाए। शुरुआत में रेलवे स्टेशन पर सिंघम पर माधव सुदन रेड्डी के लोगों ने हमला किया। इससे निपटने के बाद धुर्रे सिंघम ने विशाखापट्टनम पुलिस बल के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने का दावा किया और ऐसा शो किया कि वो केस को लेकर सीरियस नहीं है। बॉलीवुड साउथ फिल्म इंडस्ट्री से काफी प्रभावित है, तमिल, तेलुगु, मलयाली और कन्नड़ सिनेमा, और ये अब तक जारी है। 2011 में रोहित शेट्टी और अजय देवगन एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की कहानी लेकर एक साथ आए बाजीराव सिंघम। ये फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर सिंघम थी जिसमें सूर्या ने सिंघम का किरदार अदा किया है। सिंघम और सिंघम रिटर्न्स भी तमिल फिल्म की रीमेक है। फिल्म के बारे में बात करते हुए सूत्रों से पता चला है कि जब सनी देओल ने इस मूवी को देखा था तो वो इस कैरेक्टर से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने तुरंत ही फिल्म के लिए हाँ कर दी और साल के आते आते शूटिंग भी शुरू हो गई। बॉलीवुड में अब एक नहीं, दो सिंघम आमने सामने होंगे और जमकर मुकाबला होगा, पर देखने वाली बात ये है कि मुकाबले में कौन जीतता है। सिंघम 3 को स्पाई थ्रिलर मूवी के तौर पर क्यों बनाया जा रहा है? इस फिल्म को सिंघम, सिंघम रिटर्न से भी बड़ी फिल्म क्यों माना जा रहा है? फिल्म का बजट 300 से 400 करोड़ क्यों रखा गया? और इस फिल्म का कनेक्शन इंटरनेशनल से कैसे है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म सिंघम 3 के बारे में। रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने कई सुपरहिट फिल्में एक साथ की हैं और सिंघम लोकप्रिय सीरीज है। इसके दोनों भाग बेहद सफल रहे थे। अजय और रोहित ने लंबे समय से साथ काम नहीं किया है, लेकिन अब वो साथ काम करने जा रहे हैं। रोहित की पिछली फिल्म दिलवाले और अजय की शिवाय बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऐसे में जरूरी है कि ये जोड़ी फिर साथ काम करे। रोहित और अजय का मानना है कि सिंघम के रूप में अजय बेहद लोकप्रिय है। ये ऐसी सीरीज है कि जिसकी फिल्म दर्शक देखना चाहते
हैं। अजय इसमें एक ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका निभाते हैं। पुलिस की ये फिल्म छवि भी उज्जवल करती है। सिंघम 3 में अजय देवगन नए विलेन से जूझते नजर आएंगे। अजय और रोहित के फैंस ये जानकर खुश हो सकते हैं कि दोनों ने सिंघम 3 की प्लानिंग कर ली है। फिलहाल स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है और 2018 के एंड तक शूटिंग शुरू कर दी जाएगी और फिल्म को 2019 में रिलीज किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से जब से ये खबर आई है कि सनी देओल अब बड़े पर्दे पर सिंघम बनकर आने वाले हैं, इस तरह की खबरें आई हैं सनी देओल ने अजय देवगन की जगह ली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंघम का तीसरा भाग बनाया जाएगा और बॉलीवुड के असली सिंघम यानी कि अजय देवगन ही इसके हीरो होंगे। अजय देवगन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि रोहित शेट्टी के निर्देशन में 2011 और 2014 में बन चुके सिंघम का तीसरा भाग बनाया जाएगा और सिंघम 3 में लीड रोल वही करेंगे। रोहित इन दिनों स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और जैसे ही वो तैयार हो जाएगी फिल्म शुरू की जाएगी। अजय ने इस कंफ्यूजन को भी दूर किया कि सिंघम के तीसरे भाग में उनकी जगह सनी देओल ने नहीं ली है, वो फिल्म अलग है। 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल का रौद्र रूप अक्सर ही बड़े पर्दे पर देखा गया है। घायल रिटर्न्स के बाद अब वो एक और एक्शन फिल्म में काम करने जा रहे हैं जिसमें वो पुलिस अफसर की भूमिका में होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो 6 अगस्त को ही बता दिया था कि सनी देओल फिल्म एसरी नाम की फिल्म में काम करने जा रहे हैं। ओके जानू, माई नेम इज खान और गजनी जैसे फिल्मों के सिनेमेटोग्राफर रवि के चंद्रन पहली बार इस फिल्म से हिंदी के डायरेक्शन की कमान संभालने जा रहे हैं। फिल्म S3 इस नाम से तमिल में भी बन चुकी है। साउथ की इस फिल्म में सूर्या, श्रुति हसन और अनुष्का शेट्टी ने काम किया था। जयंती लाल गड़ा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और तीसरे भाग को हिंदी में सनी देओल के साथ बनाया जाएगा। सनी को पहली बार में ही कहानी पसंद आई है और उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए तुरंत सहमति दे दी। इस फिल्म की शूटिंग इसी साल के अंत में शुरू होगी। तमिल की S3 में विलेन का रोल निभाने वाले ठाकुर अनूप सिंह ही हिंदी में भी खलनायक होंगे। सिंघम 2011 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया, अजय देवगन, काजल अग्रवाल और प्रकाश झा लीड रोल में नजर आए। ये फिल्म 2010 में तमिल फिल्म सिंघम का हिंदी रूपांतरण है जिसमें सूर्य ने मुख्य भूमिका अदा की थी। फिल्म का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया जिन्होंने तमिल फिल्म का सह निर्माण किया था। फिल्म को 22 जुलाई 2011 को रिलीज किया गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म सिंघम याद तो होगी ही। इस फिल्म में अजय देवगन की जबरदस्त एक्शन को दर्शकों ने खूब पसंद किया। सिंघम की सफलता को देखकर फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने सिंघम 2 भी रिलीज किया जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। अब रोहित शेट्टी अगली फिल्म सिंघम 3 बनाने जा रहे हैं। अजय देवगन की फिल्म सिंघम और सिंघम 2 में उनकी हीरोइन अलग अलग थी, अब फिल्म सिंघम 3 में भी हीरोइन बदल चुकी है। खबरों के मुताबिक अब रोहित शेट्टी सिंघम 3 में किसी नए चेहरे को कास्ट करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं फिल्म सिंघम 3 में कौन सी लड़की अजय देवगन की हीरोइन होगी। खबरों के अनुसार जिस एक्ट्रेस को रोहित शेट्टी कास्ट करना चाहते हैं उस लड़की का नाम है हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और हॉट अभिनेत्रियों में शामिल है। हुमा कुरैशी अपनी अदाओं से बॉलीवुड में खास पहचान बना चुकी है। हालांकि फिल्म सिंघम 3 के लिए किसी एक्ट्रेस को अभी तक कास्ट नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि रोहित शेट्टी इस मूवी के लिए हुमा कुरैशी को अजय देवगन की हीरोइन के रूप में लेना चाहते हैं। इसके लिए हुमा कुरैशी से बातचीत चल रही है। अब देखना ये होगा कि सिंघम की हीरोइन कौन होती है। साल 2011 में आई अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंघम को पूरे 7 साल हो गए हैं। अजय की उस साल आई उन फिल्मों में से सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म यही साबित हुई थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन काजल अग्रवाल थी, वहीं प्रकाश राज ने फिल्म में विलेन का रोल निभाया था। इसके 7 साल पूरे होने पर हम आपको बता रहे हैं फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। सिंघम साल 2010 में इसी नाम से आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक थी। तमिल फिल्म में सूर्या और अनुष्का शेट्टी थी। सबसे मजेदार बात ये रही कि इसके तमिल और हिंदी वर्जन दोनों में विलेन की भूमिका प्रकाश राज ने निभाई थी। सिंघम उस साल की सबसे हिट फिल्मों में शुमार थी और कंट्रोवर्सी के मामले में ये फिल्म पीछे नहीं थी। फिल्म में कन्नड़ लोगों पर किए गए कमेंट्स के कारण इसे लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। कर्नाटक के कई सिनेमा घरों ने इस फिल्म को दिखाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि जब तक फिल्म से वो डायलॉग नहीं हटाए जाएंगे तब तक वो फिल्म रिलीज नहीं होगी। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने फिल्म के सेट पर आकर प्रदर्शन किया था। सदस्यों का फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे रिलायंस एंटरटेनमेंट पर आरोप था कि उन्होंने लोगों से काम करवा कर उनकी पेमेंट रोक रखी है। रिलायंस को इन लोगों को 45 लाख पेमेंट करना था। रोहित शेट्टी की सिंघम 20 करोड़ के छोटे बजट में बनी थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़ गई। इस एक्शन मसाला फिल्म ने 140 करोड़ की कमाई की थी। 2011 में आई अजय देवगन स्टारर फिल्म सिंघम ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था।
फिल्म के डायलॉग्स आतामा जी सटकली से लेकर अजय देवगन के अवतार और धुआंधार फाइट सीन्स तक सभी को जनता के मन में ऐसा बसा कि आज इस फिल्म के रिलीज के 7 साल बाद भी लोगों को इसे देखने से मन नहीं भरता। लेकिन फिल्म सिंघम के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको पता नहीं होगी, जैसे कि इस फिल्म की हीरोइन काजल अग्रवाल से पहले फिल्म बाहुबली की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी को हीरोइन का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन अनुष्का ने इस रोल को करने से मना कर दिया था। बाद में रोहित ने अपने फिल्म में काजल अग्रवाल को लिया। दिलचस्प बात ये भी है कि फिल्म सिंघम को मात्र 20 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन इस फिल्म ने 140 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। दर्शकों को ये फिल्म बेहद पसंद आई थी और इसीलिए सीक्वल बनाया जा रहा है सिंघम 3 के नाम से। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।